चैनल. अभी हम आए हैं जी सब एरिया कौन सा है एंड में बताएंगे. और शोना के लिए कुछ शॉपिंग करनी है बिकॉज विंटर्स अचानक से आ गई है. सो लेट्स गो. सो दैट वन इज लुकिंग गुड. कलर मैं देख लेती हूँ और ये हरा कलर तो बहुत है. छोटी इसमें पिंक में साइज नहीं होगी और एक साल की बच्ची के लिए पिंक में साइज नहीं होगा. पिंक में? हाँ जी. ये मुझे बड़ा लग रहा है. ये नहीं आएगा. ये आ जाएगा. निकालें लाइलेक निकालें या पिंक निकालें? सब क्यों लग रहा है? ये कैसी लग रही है? कलर बहुत हाईलाइटेड हो जाएगा ना. अच्छा, ब्लू और रेड में भी चाहिए. दैट वन इज रेड बट ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगेगा. ये है 3 से 4 साल. सलाम. अच्छा, ये इस तरह के तो नहीं चाहिए बिकॉज इसमें जो है वो ये बकल्स लगे होते हैं ना, ये बच्चियाँ खींचती हैं बहुत ज़्यादा. दैट वन इज क्यूट. तो फर्स्ट पे जेंट्स का सेक्शन है सब, और सेकंड पे सब लेडीज का सेक्शन है, और थर्ड पे न्यू बॉर्न का बंदी डालना तो साइड का, और होम टच साइड का, और लेडीज बेड का लेडीज तो आएगी. अच्छा, ये वाला निकाले का. इसके साथ पजामा है या सिर्फ ये शर्ट है? सिंगल टी शर्ट है. सिर्फ टी शर्ट है ये. ये मेरे ख्याल से ठीक होगी. और इसके प्राइस क्या है? 16 है ये, 14 है. ये 1 to 2 ईयर का साइज है, 2 to 3 ईयर का. ये वाला मेरे ख्याल से ठीक होगा. इसके प्राइस क्या है मैम? ये 1099 की रेंज में. जितना 1 to 2 ईयर का साइज है, सबसे छोटा साइज ठीक है ये वाला. और एक इसमें क्या है? इसमें भी दिखाइएगा जरा. इसमें या फिर ये ब्लैक वाला है ना जी? ब्लू बल्कि मैं भी दिखा दूँ. छोटा साइज ये. बॉयज़ के लिए होगा ना. अच्छा, ये वाला ठीक है बट आप कह रहे हैं कि ये छोटा है, ये नहीं आएगा ना. उसमें क्या लिखा होगा? कुछ लिखा होगा अभी तो नहीं है. ये बड़ी है. और ये तो उतार भी लेंगी यार. Well, it's too huge. But मुझे अच्छा लग रहा है.
और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर हम ये बड़ा वाला बैग इसका हटा दें और इसको हम ऐसे हैंग कर लें, नाइस, काफ़ी सारा सामान भी आ जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से तो ले लेना चाहिए वट से। और ये है कितने का, 1500। इतनी मिला के कौन लगाता है भाई, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? ये बड़ी गाड़ी थी उसमें सबको बने, ये आगे की निगाह देने लगी। नहीं नहीं, ये बहुत कम जगह उस पे लगेगा दरवाजा। एक मिनट नहीं लगेगा अम्मा, दे खुद, वो इतना पतला सा इतना फंस फंस के गया। पहले हम दिखाते हैं, दैट इज़ अ शर्ट कम स्वेटर, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है इसका, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर विंटर्स। और ये मैंने चेसअप से लिया है बहादराबाद से, एंड दैट इज़ ओनली 500 रुपीज़। ओके, ये वैसे दोनों का है, यूनिसेक्स कहेंगे, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों पर ही आ जाएगा, बट इस पर ओनली गर्ल्स लिखा है। सो ये हो गया एक टी शर्ट, ये आ जाता है अब स्वेटर। और गाइस, ये इतना सॉफ्ट है, इतना नरम मुलायम है, जो बच्चों के लिए वेरी परफेक्ट फैब्रिक और बहुत ज़बरदस्त ऊन है, जो बच्चों के लिए बहुत बहुत कंफर्ट है। इसका डिज़ाइन, और ये भी यूनिसेक्स है, यानी गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। और इसके जो प्राइस मुझे मिले हैं, ये है 1299, यानी 13 का। इस पे लिखा बच्चों के लिए। हम जब जब भी शॉपिंग करते हैं ना, तो साइजेस हमेशा जो है वो थोड़े से बड़े ही लेते हैं, और मैंने शोना के लिए थोड़े से बड़े ही साइज़ लिए हैं। फिर बच्चे माशाल्लाह बढ़ते हुए होते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, और फिर ये सब कुछ रखा रह जाता है। सो दैट्स वाई ये हो गई दो शर्ट्स, इनको स्वेटर और शर्ट्स, इसको मैं एक तरफ करती हूँ ना। इसकी बारी आ जाती है, ये इतना क्लासी कलर है, दिस इज़ द हाइलाइटर कलर एंड दैट इज़ वाइट, प्योर वाइट। और ये मुझे कितने का मिला, ये मुझे मिला है 800 का। गर्ल्स टी शर्ट है ये, इसके साथ हुडी भी है। सी, इतना प्यारा लग रहा था ये। और ये भी मैंने बड़ा साइज ही लिया है, यू कैन चेक दैट। इस पे लिखा है 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे के लिए, बट ये मेरी शोना को कुछ दिन में परफेक्ट होगा। साइज समझ जाया करें, अपने बच्चे के हिसाब से देखा करें कि हमारे बच्चे को क्या परफेक्ट होगा। जाते हैं जनाब हम पजामास पे, एंड दैट इज़ द पाइंचा ऑफ दिस पजामा, तो जो क्यूटू सा लग रहा था मुझे, सो दैट्स वाई आई अबाउट इट। और इसका भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, वेरी स्ट्रेचेबल। अभी मैं एक हाथ से इसको कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेचेबल, ठीक है। और ये मुझे मिला है 300 का ओनली। इसके कलर्स वेरी एट्रैक्टिव थे सर्दी के लिए, यू नो दैट इज़ परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है दैट पिंक वन, ये भी बहुत क्यूटू सा लग रहा था। पिंक तो ऑलवेज गर्ल्स का कलर है भाई, इसको मैं कभी नहीं छोड़ती शोना के लिए। कोई भी पिंक और लालक मुझे दिखता है ना, मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। तो दीज आर टू पजामास, ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा कम सॉफ्ट है, बट अपनी जगह दोनों बहुत बेहतरीन है। तो ये हो गए दो पजामास शोना।
ये वाला भी मुझे 300 का ही मिला, 299। ये गर्ल्स पजामा है। आ जाते हैं हम जीन्स पर। ये है रेनबो कलर्स और इस पर मैंने सिर्फ इसकी वजह से लिया, यूनिकॉर्न की वजह से। मुझे बड़ा पसंद है यूनिकॉर्न थीम जिस किसी चीज़ में भी हो। इस पर एम्ब्रॉयडर्ड था जीन्स पर, दैट्स वाई ये थोड़ा सा महंगा मिला मुझे, बट मुझे बहुत क्यूटू सा लग रहा था। और इसके जनाब प्राइजेस हैं 1300 जी। ये 1300 रुपये की मुझे मिली है और ये भी शोना के लिए परफेक्ट साइज़ है। इसका क्या साइज़ लिखा है इस पर देखिए, ये 2 से 3 साल की उम्र का लिखा है। मेरी शोना को माशाल्लाह माशाल्लाह ये थोड़े से दिन में परफेक्ट होगा। और इसके साथ मैंने ये शर्ट भी मैच कर लिया भाई। इस शर्ट का मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये बहुत जल्दी छोटी हो जाएगी, आप लोग भी देख सकते हैं ये बहुत छोटी सी लग रही है। देखें, मैंने कोई 2 से 3 बार इस शर्ट को इग्नोर किया, बट सीरियसली दैट इज़ द आई कैचिंग। इसने मुझे खींच लिया अपनी तरफ। और ये देखें, ये 1 से 2 साल की उम्र का है, साइज़ 14 है और इसका प्राइस है 700। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं इसको छोड़ ही नहीं सकी और मैंने ये फ़ौरन से फाइनली ले ही लिया। आ जाते हैं जनाब शोना की रेड कलर की पैंट पे। अच्छा, ये टाइट्स कम पैंट कहेंगे बिकॉज़ देयर इज़ नो ज़िप वगैरह। जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, पॉकेट्स के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये देखें। और ये पॉकेट्स हैं पीछे, ठीक है। दिस इज़, इसको हम टाइट्स कम पैंट कहेंगे। और ये भी बड़ा स्ट्रेचेबल था, स्ट्रेचेबल है और क्यूट भी लग रहा था, कलर बहुत ज़्यादा। और ये मुझे पड़ा 800 का, ठीक है, गर्ल्स कॉटन पैंट। और इसको भी इसके साथ वैसे मैच कर सकते हैं, रेड एंड ब्लैक का बेस्ट कॉम्बो है, बट ये इसके साथ ये ज़्यादा क्यूट जा रही है जीन्स के साथ, है ना। अब आ जाते हैं जनाब हम इस शर्ट पे। अच्छा, ये बॉयज़ शर्ट है, ये मैंने बॉयज़ सेक्शन से ही लिए और इसको मैंने इसके साथ मैच किया। सी, अच्छा लग रहा है ना। और ये भी बड़ा सॉफ्ट फैब्रिक है और इस पर मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी होगा बॉयज़ का ना। ये कहाँ गया? अच्छा भाई, ये 1 से 2 साल की उम्र का 40 नंबर है और ये भी बॉयज़ टी शर्ट, यस। और ये मुझे 700 की पड़ी है। सी, ये मैंने इसके साथ मैच कर दिया रेड के साथ, अच्छा लग रहा है। जाते हैं हम हाई नेक पे। हाई नेक्स बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करती हैं सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए। और ये है शोना की हाई नेक। इसमें कलर्स इतने अच्छे नहीं थे, इसमें कलर एक यही मुझे अच्छा लगा, ग्रीन कलर का, तो मैंने ये ले लिया। और ये बहुत मोटा है वैसे, ये बहुत मोटा है। अगर कहीं बाहर ट्रैवल करें आप तो उसके हिसाब से ये बहुत मोटा है। और ये ओनली जो है वो 250 रुपये का, यानी कि 250 का मिला। अब आ जाते हैं हम ये वाले ड्रेस पे। ये है जनाब पिंक एंड ब्लैक, मोस्ट फेवरेट कॉम्बो। और इसका जो साइज़ है वो है स्मॉल साइज़। अच्छा, इसमें एयर्स वगैरह मेंशन नहीं है, ये मेरे ख्याल से जापनीज़ लिखी है या चाइनीज़ लिखी है, आई डोंट नो क्लियरली। मेड इन कहाँ का है ये? तो मेड इन पाकिस्तान है यार। चले खैर, तो आते हैं वापस अपने ड्रेस पर। और ये है इसका ट्राउज़र जिस पर ये इस तरह से पिंक कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे भी ये है। और ये है पूरा ड्रेस। तो ये हो गई जनाब मेरी शोना की विंटर शॉपिंग। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, दैट इज़ किचन सेट। ये शायद मछली है जो ओवन में रखी है, ये बनानास हैं, झींगा भी है भाई, स्पून्स हैं, फोक है, छोटा सा भगोना है। देखें, ये इतना लड़कियों का मोस्ट फेवरेट जो है ना ये सेट है। अभी तो शोना को खैर नहीं पता ये किचन सेट क्या होता है, लेकिन बच्चियां जो है ना वो सबसे पहले यही मांगती हैं। और इसकी जो प्राइस है ना वो 225 है। अभी जस्ट शोना इसे समझें पकड़ना वकड़ना शुरू करेगी, जब बड़ी थोड़ी समझदार हो जाएगी तो फिर खाना पकाना शुरू करेगी इस पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए मैं गई नहीं थी, बट जब आप काफ़ी सारी चीज़ें और देख रहे होते हैं ना तो आपको ये मिल गया। दिस इज़ ट्रैवल बैग, इसको ट्रैवल बैग भी कह सकते हैं और इसको आप एक सिंपल बैग जो कि हम यूज़ करते हैं वो भी कह सकते हैं। इसमें 2 पॉकेट्स हैं और इसमें इतना स्पेस है, जैसे मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो इसमें कपड़े वगैरह रख लिए,
या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, दो पॉकेट्स दी हुई थी इन्होंने, देखें एक ये है और एक ये है, और दोनों में अच्छा खासा स्पेस था। और इसके प्राइस भी बड़े रीज़नेबल लगे मुझे, ओनली 1500 का। तो मैंने एक ये भी ले लिया। जनाब काउंटर पे ये भी मौजूद थे, उनके बॉडी मिस्ट काफ़ी सारे, इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी। ये भी यूनिसेक्स है, यानी कि ये जेंट्स और वुमेंस, यानी मेंस और वुमेंस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, चेस का अपना ही है, अपना ओन ब्रांड है। ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। मुझे उस वक्त तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ्लेवर्स जो है वो फ्रेग्रेंस के उस वक्त स्मेल करवा दिए थे, बट दिस वन इज़ थोड़ी अच्छी है, डिसेंट सी है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। इसमें से स्वेटर हो गया, पिंक और ब्लैक वाला ड्रेस हो गया, और ग्रीन वाली हाईनेक। ये मैंने चेसअप जो है वो भाद्रपद से लिया था, जो नाहिद के बिल्कुल बराबर में है। और बाकी के जितने भी कपड़े मैंने आप लोगों को टैग दिखाया, इसमें चेस वैल्यू लिखा है। वो चेस वैल्यू कहाँ है, चले मैं एड्रेस बताती हूँ आप लोगों को। तो ये चेस वैल्यू जो है ये ओनली किड्स क्लोथिंग और बच्चों के खिलौने शिलौने आपको बाय बर्थ से लेके हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। पैसिफायर्स हो गए, बच्चों के फीडर्स हो गई, जो न्यू बॉर्न होते हैं उसकी शॉपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वैरायटी है। आप लोग भी जाइए देखिए, विंटर कलेक्शन इन लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। और इसकी लोकेशन है खालिद बिन वलीद रोड पर, यस तारिक रोड PCHS, जो हम नूरानी कबाब वाले रोड पे सीधे सीधे जाते हैं तो आपके पड़ेगा लेफ्ट पे मेरे ख्याल से, यस। क्योंकि मैं उस रास्ते से, मैं उस रूट से नहीं गई थी, मैं गई थी जनाब आपने जैतीन देखा होगा, जैतीन वाला रोड बस सीधा चलते जाएं तो जो नूरानी कबाब वाला रोड आ जाएगा उस पर आपको ये पड़ेगा आपके लेफ्ट साइड पे चेस वैल्यू खालिद बिन वलीद ब्रांच। अगर गूगल करेंगे तो बड़ा क्लियर आपको लोकेशन पता चल जाएगी। वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो न्यू मॉम हैं और जिनकी प्यारी प्यारी सी बच्चियां बच्चे हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों में, प्यारों में, जो भी मदर्स हैं वो देख रही हैं, अगर उनको कुछ भी पसंद आया है तो आप लोग भी जाइए और वहाँ से अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें खरीदिए और मुझे इजाज़त दीजिए। चलें फिर आप लोगों से एक अनदर अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।